दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना 5 से 6 बजे तक। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम देर से उठते हैं जैसे 8-9 बजे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास टाइम बहुत लिमिट में है, पर जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो लगता है जैसे बहुत टाइम है हमारे पास और बहुत कुछ करने को है। तो सुबह जल्दी जरूर उठें। अब दोस्तों एक एग्जांपल से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एज्यूम करिए कि आपकी फैमिली जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक बिल्डिंग में जिसमें आग लग गई है उसमें फंस गई है। आप घर के बाहर हो, आपके लिए इस टाइम सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है कि आपको अपनी फैमिली को बचाना है। बट आप एज्यूम करिए कि आपको डाकुओं ने पकड़ रखा है। इस समय आपके लिए सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है फैमिली। आप अपने पूरे एफर्ट लगा देंगे, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को रेडी रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके लिए आपकी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ फैमिली के जगह बस आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको रख दीजिए। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि हमें पूरा एफर्ट और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइफ में पाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जो सेक्रीफाइस करना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का यूज बहुत कम कर दीजिए, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग तो भूल ही जाइए जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। टीवी का यूज भी आपको बहुत कम करना होगा, बस जब थोड़ा एंटरटेन होने का मन करे तो थोड़ा देर कार्टून या आपका फेवरेट कॉमेडी सीरियल देख लें। हम सबके फ्रेंड होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं किसी के कम, बट दोस्तों आपको अपने फ्रेंड को ये बताना होगा कि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स हैं, मेरे को उनको अचीव करना है। तो आप ये जरूर कोशिश करें कि ज्यादा फ्रेंड के साथ हैंग आउट ना करें, क्योंकि आपके लिए एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों एक चीज जो बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो है प्रायोरिटी डिसाइड करना। आप सुबह उठते ही प्लान बना लें कि आपको क्या क्या करना है, और ऐसा प्लान बनाएं जो रियल में पॉसिबल हो। हम कभी कभार ऐसा प्लान या टाइम टेबल सेट कर लेते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होता, और उस दिन के आखिरी में हम डिप्रेस हो जाते हैं कि जो टाइम टेबल बनाया था वैसा हुआ नहीं। तो इफेक्टिव प्रायोरिटी सेट करें और उसका जरूर कंप्लीट करें। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और आखिरी में प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें।